नमस्कार, मेरा नाम नरेश चंद अग्रवाल है। वर्तमान में मैं नोएडा सेक्टर 50 में रहता हूँ और अभी एक साल पहले यूपी पावर कॉरपोरेशन में डायरेक्टर के पद से आगरा से रिटायर हुआ हूँ और वर्तमान में NDMC न्यू दिल्ली में CGRF में चेयरमैन के पद पर कार्यरत। मेरा जन्म अमरोहा में हुआ है, मेरे फादर का भी जन्म अमरोहा में हुआ है। उनका नाम श्री वीरेंद्र कुमार अग्रवाल जी है जो कि इस स्वर्गवासी हो चुके हैं। मैं अपने ग्रैंडफादर तो मेरे बहुत जब मैं काफ़ी बड़ा हो गया तब उनकी डेथ हुई थी, तो उनके साथ मेरा बहुत संपर्क था, बहुत मैं उनके साथ रहा भी, तो उनके बारे में पूरा पता है मुझे। वो भी उनका नाम श्री खैरतीलाल जी, लेकिन वो भी बहुत स्ट्रिक्ट थे अपने टाइम में और अपने बच्चों, उन्होंने भी अपने हमेशा अपने बच्चों की एजुकेशन पे ही ध्यान दिया। जबकि प्राइमरी स्कूल के टीचर हेडमास्टर थे, तो उन्होंने अपने 4 बेटों को पढ़ाया, 3 बेटियों को पढ़ाया। उनके फादर श्री मक्खन लाल जी जो कि एक हलवाई की दुकान किया करते थे और उझारी के रहने वाले थे जो कि एक गढ़मुक्तेश्वर के पास जगह है, तो उनकी अर्ली डेथ हो गई थी। तो मेरे ग्रैंडफादर अपनी सिस्टर के पास रह के पढ़ाई करी थी, वो सिस्टर सबसे बड़ी थी, उसके बाद वो फिर अमरोहा आ गए थे। अमरोहा में उनको उन्होंने हेड प्राइमरी स्कूल में टीचरिंग की, फिर उसके बाद हेडमास्टर हो गए थे। उनके एक भाई और थे श्री बनवारी लाल जी जो हलवाई की दुकान करते थे, वो उनकी भी अब डेथ हो चुकी है। उनका परिवार भी अमरोहा रहता है, उनके यहाँ भी बिजनेस होती है। उनके बच्चे भी बड़े होके फिर बाहर चले गए। मेरी 3 बुआ जी हैं, तीनों बुआ जी की अब डेथ हो चुकी है, उनके बच्चे भी सब पढ़ लिख के बाहर हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। मेरी माता जी का नाम श्रीमती फूलपति थी। मेरा बचपन अमरोहा में ही बीता, मैंने एजुकेशन 1 से ले कर इंटर तक अमरोहा GIC में की। उसके बाद मैं रुड़की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 1974 में। वहाँ से 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद 98 में मैंने वहाँ से पास आउट किया। उसके पश्चात 2 साल मैं स्टार पेपर मिल सहारनपुर में एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कार्य किया। फिर यूपी पावर कॉरपोरेशन में मेरा सिलेक्शन हो गया। अगस्त 1980 में मैंने यहाँ ज्वाइन किया और यहाँ विभिन्न पदों चरणों में रहते हुए, विभिन्न पदों पर रहते हुए, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, चीफ इंजीनियर और फाइनली डायरेक्टर के पद पर रहते हुए 2018 में रिटायर हुआ। मैं 3 भाई बहन हैं, मेरी सबसे बड़ी सिस्टर हैं, उनका नाम श्रीमती शशि अग्रवाल, उनसे छोटे मेरे से बड़े भाई जो हैं श्री सुभाष चंद अग्रवाल और तीसरा मैं हूँ। मेरी सिस्टर भी MSc फिजिक्स थी और वो इस समय वर्तमान में रिपब्लिक क्रॉसिंग पर रहती हैं, वो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में डिप्टी सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुई थी। और मेरे ब्रदर एस्कॉर्ट फरीदाबाद में वर्क करते थे और वो भी रिटायर हो गए एज मैनेजर। मेरे मदर फादर बहुत ही सिंपल लाइफ वाले व्यक्ति थे। मेरी माता जी बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, शायद मैं समझता हूँ 5th क्लास तक पास किया होगा उन्हें। और मेरे फादर MSc मैथमेटिक्स से पास आउट थे बरेली से, बरेली कॉलेज से, तो बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करते थे। और मेरे पास जो भी कुछ आया है अपने परिवार का ही अंश है। मेरे फादर 4 भाई थे और 3 बहनें, तो मेरे तीनों अंकल बहुत पढ़े लिखे और थ्रू आउट 1st क्लास रहे वो भी अपनी लाइफ में। तो मेरे पास जो भी अपना जो भी कुछ वैल्यू है मेरे अपने परिवार की, माता पिता, मेरे अंकल की, वो उनकी छाप मेरे ऊपर है। साधारण जीवन भी व्यतीत करना और कभी किसी भी गलत काम में अपने को इन्वॉल्व नहीं। मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे तो खुश होते बहुत कम थे। जब वो कभी जब स्कूल कॉलेज से घर आते थे तो आप ये मानिए कि हम 4 बजे, जैसे गर्मियों का जाड़ों के सीज़न में तो 10 से 4 ऑफिस होता था, 4 बजे जब वो घर आते थे तो हम 4 बजे से पहले कहीं भी हों तुरंत घर पहुँचते थे। तो फादर का बहुत अच्छा कंट्रोल मतलब परिवार में था। ये वाक्य होगा शायद 9th या 10th का, तो जैसे कोई टीचर नहीं आते हैं
बच्चे जनरली क्या होता है, क्लास से बाहर आ जाते हैं, तो मैं भी आ गया था। हम चार पांच बच्चे बाहर खड़े हुए थे, प्रिंसिपल साहब राउंड पे थे और उन्होंने देख लिया चार पांच बच्चे बाहर खड़े हैं। क्लास हम तुरंत क्लास में भाग गए। उन्होंने क्लास में पहुँचते ही सबको बुलाया कि आइए आइए, एक दो तीन चार। जब मुझे भी बुलाया तो मुझे बड़ा अचंभा सा लगा। खैर, उन्होंने सबके हाथ पे दो दो सन्टी लगाई, मुझे भी वो सन्टी लगी। तो मैं वो वाक्य आज तक नहीं भूला हूँ अपने फादर का, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट थे। खुश होना उनके बहुत कम खुश होते थे। हो सकता है जब मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ तब उनको खुशी हुई हो, लेकिन कभी वो व्यक्त नहीं करते थे, एक्सप्रेस नहीं करते थे अपनी खुशी को। माता जी मेरे पूरा सपोर्ट करती थी। जब हम पढ़ते थे तो रात में जाड़ों में क्या होता था, जनरली हम बैठ के पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे लेट जाते थे और रजाई ओढ़े तो नींद आने लगती थी। फादर हमारे बाहर गए होते थे मान लीजिए घूमने में, तो जैसी वो आने से पहले ही हमें उठाती रहती थी, आवाज़ देके, बेटा उठ जाओ उठ जाओ, फादर पिताजी आते होंगे, कि जिससे फादर आने के बाद हमें डांटे ना। ये हमेशा उनका हमें पूरे ज़िंदगी में सहयोग रहा। मैंने 1 अगस्त 1980 में ओबरा थर्मल पावर हाउस पर ज्वाइन किया था। एक साल वहाँ तक वहाँ ट्रेनिंग पर रहा, उसके पश्चात मेरी पोस्टिंग हरदोगंज पावर हाउस पर हो गई। 7 साल तक मैं अपने प्रोजेक्ट पर रहा और 87 में मैं मुजफ्फरनगर डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया। वो मेरा फर्स्ट पोस्टिंग थी फील्ड में, जबकि मुझे ABC भी नहीं आती थी। तो मैं आपको वाक्य बताऊँ फील्ड का, तो फील्ड में बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता है और मुझे जबकि फील्ड की ABC नहीं मालूम। खैर, मुझे 4-5 महीने ज़रूर लगे, मैंने बहुत सीखा वहाँ। सीखने के बाद फिर मैंने अपने वर्क पे कंट्रोल किया। तो मेरे जो अधिकारी होते थे तो वो उनको पता थी कि यह प्रोजेक्ट से आया, इसे कुछ नहीं पता फील्ड की। शुरू में तो ज़रूर मुझ पर नाराज़ होते थे, लेकिन 5-6 महीने बाद कभी फिर मेरे वर्क पर कभी वो मुझे नाराज़ नहीं हुए। हमेशा अप्रिशिएट किया उन्होंने, चाहे सामने ना किया हो लेकिन पीछे ज़रूर अप्रिशिएट किया। 1980 में जब मैंने ज्वाइन किया, उसके 2 साल बाद मेरी शादी हुई 1982 में। तो मेरी मिसेज का नाम मिसेज अलका अग्रवाल है, जो कि बरेली की रहने वाली हैं। मेरे फादर इन लॉ भी इसी डिपार्टमेंट में पोस्टेड थे, तो उन्होंने वो बायोडाटा लिया होगा जब हम लोग ने ज्वाइन किया था 1980 में। उसके पश्चात उन्होंने जो भी रहा बातचीत चली, तो हमारा फाइनल वहाँ बरेली हो गया। उस समय वो बुलंदशहर पोस्टेड थे। तो शादी के बाद हम हरदोगंज रहे। मेरे पहले बच्चे का जन्म 1983 का है, बेटा हुआ था वहीं हरदोगंज में। उसके बाद 87 में मेरी डॉटर हुई, उसका नाम वानी अग्रवाल। बस जीवन ऐसे धीरे धीरे बढ़ता गया। नोएडा जब हम पोस्टेड हो गए तो दोनों बच्चों की एजुकेशन इंटर तक इन नोएडा से हुई और अच्छे कॉलेज में हुई, जिसके कारण दोनों बच्चों का एडमिशन IIT में यहाँ से हो गया। बेटे ने मेरे IIT बॉम्बे से एजुकेशन ली और बेटिया ने IIT दिल्ली से। तो ये लाइफ का पार्ट रहा। फिर यहाँ से नोएडा से ट्रांसफ़र होने के बाद मैं 9 महीने के करीब जनपद जौनपुर में रहा। उसके पश्चात फिर मेरे एक परिचित MD थे, उनके अथक प्रयास से मेरा ट्रांसफ़र जौनपुर से आगरा हो गया और मैं मथुरा में पोस्टेड कर दिए गए। मथुरा पोस्टिंग के दौरान मुझे विभिन्न लोगों से कांटेक्ट रहा। वहाँ के एक विधायक जी हैं प्रदीप माथुर जी, जो मेरे बहुत ही अजीज हैं, उन्होंने मेरा सभी लोगों से वहाँ परिचय कराया। मेरी भी अपनी वर्किंग से वहाँ परिचय रहा सबका, तो आज भी मैं मथुरा से बहुत जुड़ा हुआ हूँ। 6 साल मैं बहुत मेहनत कर से काम किया, जिससे पब्लिक को जितनी भी मैं पब्लिक की हेल्प कर सकता था अपनी पूरी हेल्प की मैंने, और पब्लिक ने भी मुझे उसका पूरा सम्मान दिया। देखिए भाई, अगर स्पेशली मैं किसी का नाम लूँ तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन मेरे अपने पेरेंट्स, मेरे अपने सीनियर्स जॉब में हमेशा मेरे प्रेरणास्रोत रहे हैं। मैं उन्हें उनकी वर्किंग से हमेशा जो भी पॉजिटिव बात होती थी वो उसको मैं अपने में एक्सेप्ट करता था और ये कोशिश करता था कि उन्हें दोबारा किसी बात को कहने का मौका ना दूँ। ये मेरी अपनी वर्किंग रही, जिसकी वजह से मैं कभी भी अपने वर्क में कभी पीछे नहीं रहा। हमेशा लोगों का सम्मान, मुझे अपने ऊपर वालों का प्यार मिला।
कोई बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ में ऐसी चुनौती नहीं रही, लेकिन हाँ मेरा एक केवल एक मेरा ट्रांसफ़र पोस्टिंग जब मैं नोएडा में था तो मेरी डॉटर इंटर फाइनल में, तो मुझे तब ये लगता था कि मैं दूर चला जाऊँगा तो हो सकता है इसकी एजुकेशन में फ़र्क पड़े। कोशिश मैंने बहुत करी कि मैं एक साल किसी तरीके से रुक जाऊँ, लेकिन नहीं हुआ। तो मैंने अपने को कंसोल किया, नहीं मुझे जाना है। देन आई ज्वाइन जौनपुर, और मेरी मिसिज ने इस पीरियड में उसका पूरा ध्यान रखा। मेरी डॉटर भी बड़ी हिम्मत वाली है, उसने भी मुझे कभी कोई ये महसूस नहीं होने दिया कि डैडी आप इतनी दूर हैं। देखिए हमारी फैमिली में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। मेरे ग्रैंडफादर प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते थे, मेरे फादर प्रिंसिपल थे, मेरी सिस्टर एमएससी फिजिक्स, तो हमारी मेरे दोनों अंकल एमएससी फिजिक्स में। तो हमारी लाइफ में बिजनेस नहीं थी, तो केवल हमारे ग्रैंडफादर ने हमारे फादर ने हमेशा पढ़ाई पे ध्यान दिया। मैं नहीं, मेरे परिवार पे भी, मेरे फादर, मेरे चाचा जी के बच्चे, मेरी बुआ जी के बच्चे, उनकी भी पढ़ाई पे ध्यान देते थे। तो इसके अलावा हमारी लाइफ में और कुछ था ही नहीं। अगर हम पढ़ाई नहीं करते तो शायद हम पता नहीं फिर बिजनेस कर पाते या नहीं पाते, चूँकि मेंटली बिजनेस की थी नहीं, तो इसलिए नेचुरली पढ़ाई पर हमें, हम सभी तीनों भाई बहन बिजनेस में ही, बिजनेस में कोई किसी का नहीं कंट्रीब्यूशन है, केवल अपनी पढ़ाई पर, अगर तीनों ही सर्विस में रहे। मेरी लाइफ में कि हार्ड वर्किंग और विद ऑनेस्टी, ये अपनी लाइफ का मेरा रहा हमेशा, कि हमेशा पब्लिक का ग्रीवेंसेस दूर करना और किस डिपार्टमेंट को कभी लॉस नहीं देना, ये मेरी मूल मंत्र है। और जितना हार्ड वर्क विद ऑनेस्टी मैं करता हूँ, यही मूल मंत्र है। देखिए मेरे लिए शायद धर्म, जब तक मैं मथुरा नहीं पहुँचा था मैं धर्म के प्रति कोई ज़्यादा झुकाव नहीं था, ना ही मैं बहुत पूजा करने वाला व्यक्ति था, केवल अपने कर्म में विश्वास रखता था। जब मैं मथुरा पहुंचा तो मथुरा चूंकि एक धार्मिक प्लेस है, तो वहाँ लोगों के विचार भी सुने, गॉड के प्रति ये आए कि भाई हाँ, जिस गॉड ने हमको पैदा किया है हमें उसके प्रति भी कुछ करना है, हमें ये सोचना चाहिए कि जो हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे परिवार है, ये सब उस गॉड की वजह से ही है। अगर हम गॉड से नहीं डरेंगे तो हो सकता हम कोई भी गलत काम कर सकते हैं। देखिए बहुत पहले, मथुरा आने से पहले मैं न किसी सामाजिक संगठन में था। जब मैं मथुरा पहुंचा तो वहाँ अग्रवाल समाज से मैं जुड़ा। वहाँ मैंने ये देखा अग्रवाल समाज बहुत ही हर क्षेत्र फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में बहुत ज़्यादा हैं। तो वहाँ मुझे एज ए चीफ गेस्ट भी बुलाया जाता था। तो मैं हमेशा ये कहता था मेरी जहाँ ज़रूरत है किसी धन तन मन धन से, मैं हमेशा अपने समाज के प्रति और अन्य लोगों के प्रति, जहाँ आपको मेरी मदद हो मैं वहाँ समाज में पूरा भागीदारी करता था। और आज भी मैं उस समाज से जुड़ा हुआ हूँ, बस ये मैं समाज के प्रति अपना कर्तव्य समझता। देखिए राजनीति मेरा शुरू से ही रहा है शायद थिंकिंग में, कि हम देखते हैं कि राजनेता क्या कैसे हैं, क्या करते हैं, तो ये लगता है कि भाई ये चीज़ दिखा, जब कहते कुछ है और दिखावटी करते कुछ है। क्योंकि हमने अपनी लाइफ में हमेशा ये देखा नेताओं से बहुत डील हुआ, जब वार्ता भी उनसे करते हैं तो वो खुद कहते हैं कि भाई हम सेवा के लिए, हम कहते हैं भाई आप ये कहते हैं हम पब्लिक सेवा के लिए हैं, तो क्या वाकई में पब्लिक, तो उनका बड़ा क्लियर कट होता था भाई ये सब तो हमें कहना पड़ता। और मैं समझता हूँ कि अगर पॉलिटिशियन जो कहें और वो करें और ये ना सोचें कि वोट की राजनीति ना करें, तो मैं समझता हूँ हमारा देश एक पावरफुल कंट्री बन सकता है। देखिए आज के टाइम में तो फेवरेट जो है, पहले अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे जिसको हम मानते थे, क्योंकि वो एक पोएट भी थे और बहुत ही सबमिसिव थे, बहुत ही पोलाइट वे में करते थे। वो उनका जीवन बिल्कुल, मतलब आचरण ये नहीं था कि वो कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। ये अब आज के वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं जो कि एक देश को सही दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और पब्लिक भी उनको पूरा सहयोग दे रही है, जबकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े स्टेप लिए जो कि बहुत लोगों ने कहा है कि ये हो सकता है कि इससे उनकी पॉलिटिक्स पे बुरा फ़र्क पड़ेगा। जैसे दो बड़े मुझे याद हैं, डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी। डीमोनेटाइजेशन के बाद लोगों को लगा कि भाई ये स्टेप ऐसा लिया गया जिससे ये सरकार अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, लेकिन उसका आम जनता ने बहुत सहयोग किया
और अगली बार जब इलेक्शन हुए जहाँ भी, तो वो पार्टी और मजबूती के साथ आई। जब सभी लोग सुधार की तरफ चलेंगे तो नेचुरल है कि हर आदमी व्यक्ति खुश होता है। हम विदेशों में जब जाके देखते हैं तो हमें ये लगता है कि यहाँ हर आदमी डिसिप्लिन्ड है, रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है और सफाई की तरफ बहुत विशेष ध्यान देता है, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स हैं। रूल अगर फॉलो नहीं करेगा तो उसको पता है कि हैवी पेनल्टी विल बी इम्पोज्ड ऑन देम। तो और कोई वजह नहीं है, वही कंट्री, हमारी कंट्री में हर चीज़ अवेलेबल है, खाने पीने की सब चीज़ व्यवस्था। यहाँ जो है सफाई नहीं है, गंदगी ज़्यादा है और लोग डिसिप्लिन रूल रेगुलेशन को नहीं फॉलो करना चाहते। हम पब्लिक को भी ये सोचना पड़ेगा कि हम उतने ही इशू रखें जितने का हम भरण पालन पोषण कर सकते हो, उनको वेल एजुकेटेड कर सकते हो, तो मेरा देश पॉपुलेशन नहीं बढ़ने की और देश हमारा अमेरिका क्या जापान क्या सबसे और आगे निकल जाएगा। जितने हम लोग मेहनती हैं और जितने इंटेलिजेंट देश के नागरिक हैं, इतने मेहनती दूसरे कंट्री में नहीं है। देखिए, फिल्मों का ज़्यादा शौक़ नहीं है, फिल्में बस मिसिस को मेरी शौक़ ज़रूर है, वो जब कहती हैं तो मैं कहता हूँ चलो फिल्म देख ली। और अगर कोई मुझसे ये पूछे 4 दिन 5 दिन बाद इसकी क्या स्टोरी थी, तो मुझे कोई स्टोरी याद नहीं रहती। फिल्मों में बस इतना ध्यान है कि भाई देख ले आता हूँ, खुश हो लेता हूँ, बस। ईश्वर की कृपा से दोनों बच्चे मेरे बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत बढ़िया, मुझे ये गर्व होता है अपने ऊपर। मैं किसी से कहता नहीं ये बात, क्योंकि अपने बच्चों की तारीफ़ करना फिर ये होता है कि भाई हर बात, हर माँ बाप को अपने बेटे बहुत, बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे कभी किसी बात में कभी कोई मेरे ना मेरी लाइफ में मुझे कोई परेशानी दी, ना मेरी कोई सर्विस में दिक्कत दी। उनकी जो भी स्टडी है सेल्फ स्टडी है और बहुत ही बढ़िया है, पूरे रेस्पेक्ट करते हैं अपने पेरेंट्स का। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, हर इन बच्चे सभी के ऐसे होते हैं, हर पेरेंट्स को अपने बच्चे बढ़िया लगते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, रूटीन मेरा, मैं हमेशा अर्ली राइजर में रहा हूँ, चाहे मैं पढ़ने के टाइम में हो, सर्विस के टाइम में हो, 5, 5:30, 6 बजे तक मैं उठ जाता हूँ। अपना जो भी दिनचर्या है, वॉकिंग है और टीवी, और टीवी में भी न्यूज़, मेरा ये शौक है। और उसके अलावा समय मिलता है तो मैं ताश, प्लेइंग कार्ड्स खेलने का शौक, ऐसा मेरी लाइफ में नहीं रहा। हमेशा मैंने जो अपनी लाइफ में चाहा जितना, वो मुझे मिलता रहा। मैं बहुत साधारण व्यक्ति था, मेरे परिवार में मैं बहुत ही, जिसको कह दिया, ऑर्डिनरी व्यक्ति, और वही लाइफ में आज भी जीता हूँ। बिल्कुल अपना सिंपल लिविंग है, कोई मैं किसी चीज में पैसे बर्बादी नहीं करता, वही जो मेरा लाइफ का जीवन है। घूमने का, चूँकि जब तक जॉब में रहे, गवर्नमेंट जॉब में, तो मैं कहीं ज़्यादा नहीं घूमा, मुश्किल से एक बार केवल बाहर गया था, सिंगापुर, और उसके बाद फिर मैंने कोशिश करी घूमने की। चूँकि अब इस एज में आ गए हैं और समय बढ़ जाएगा तो शायद फिर घूमने ना जा पाएँ, तो मैं अपने बच्चों के पास जाता हूँ। सिंगापुर में घूम चुका हूँ, मलेशिया जा चुका हूँ, अमेरिका जा चुका हूँ, ताशकंद जा चुका हूँ, अब मैंने ये शुरू किया है, और फिर और जहाँ भी मौका मिलेगा तो वहाँ जाऊँगा। देखिए, दो देश की जो हमारे फौजी हैं, वो वाकई में जितने ब्रेव वो हैं, इतना आम नागरिक नहीं हो सकता। तो फौजी का हमेशा सम्मान होना चाहिए, जो अपनी ज़िंदगी जान पे खेल के हमारे देश की, हमें देश की सुरक्षा, क्या हमारी सुरक्षा करते हैं वो, तो वो वाकई में काबिले तारीफ़ हैं और उनको शत शत प्रणाम मेरे। नहीं, देखिए, युवा पीढ़ी से बस यही कि वर्क, अपने वर्क के प्रति 100% देना चाहिए हर व्यक्ति को। ये ना सोचे वो गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है। जनरली क्या है कि प्राइवेट जॉब में तो हर व्यक्ति अपनी 100% देता है, क्योंकि उसको अपने को शो करना होता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा सा ही इसमें चेंज है। आदमी जब गवर्नमेंट जॉब में, ये पता रहता है कि उसका कि कितना ही काम करें कितना ना करें, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जॉब पे मेरा लोगों से ये ज़रूर है कि वो अपना हमेशा, कोई कहे या ना कहे, लेकिन अपने वर्क के प्रति उसको 100%, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो, 100% देना चाहिए कि जो उसको वर्क दिया गया
अगर उसको पब्लिक डीलिंग है तो उसके पास जो व्यक्ति आए उसका वर्क उसे ज़रूर 100% देना चाहिए, चाहे वो करे या ना करे। लेकिन सामने वाला जो भी व्यक्ति हो वो ये कह के जरूर जाए अपने मन में, जिससे मिला भाई व्यक्ति बहुत अच्छा था, चाहे उसने मेरा काम किया नहीं किया, लेकिन मुझे पूरी इज्जत दी, मुझे पूरा समझाया, मेरा उसके प्रति कोई अपने मन में दुराव नहीं। ये गवर्नमेंट जॉब में जो कमी मैंने महसूस की कि आदमी टाल देता है, वो नहीं होना चाहिए। बस गवर्नमेंट व्यक्तियों से यही है कि उन्हें हमेशा अपना 100% वर्क के प्रति लॉयल रहना चाहिए और उस डिपार्टमेंट के प्रति कोई उस डिपार्टमेंट को लॉस नहीं हो। बहुत स्वीट नेचर के हैं पर फालतू बात नहीं पसंद है और स्ट्रिक्ट भी हैं, पर बस थोड़ा सा उनको ये है कि आपका जो काम जो है हेल्पिंग एटीट्यूड ही उन्हें पसंद है। मतलब ये मैंने शुरू से देखा, ये मतलब शायद नेचर में ही है उनका काम के प्रति डेडिकेशन। पर बेटे का इंटर के बाद ही सिलेक्शन हो गया था, तो उसका बेटी का तो एक तरीके से आइडियल उसका भाई बन गया था, या तो कहराती है पर उनको खुश देखकर। मेन हमारा क्राइटेरिया यही रहता है, बच्चे खुश रहते हैं तो पेरेंट्स नेचुरली खुश रहते हैं, कि कहीं भी रहें, दूर रहें या पास रहें, बस खुश रहें। अरे अब तो मोबाइलें का अब तो यही हो गया, दुनिया आपकी मुट्ठी में आ गई है, एक क्लिक करिए और आप उनसे बात कर लीजिए।